देखिए बच्चे, हम अवधान विस्तार का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो अवधान विस्तार के लिए, अवधान विस्तार प्रयोग के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि उसको हम बोलते हैं टेचिस्टोस्कोपी यंत्र, अथवा उसको संस्कृत में क्षणाद्रिक यंत्र बोल सकते हैं। तो वो यंत्र को मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये वो यंत्र है टेचिस्टोस्कोप अथवा क्षणाद्रिक यंत्र। ये उस यंत्र का फ्रंट पार्ट है। ये फ्रंट पार्ट में हम क्या देखते हैं, एक ओपनिंग स्पेस है, इसको हम बोलते हैं ये इसका स्क्रीन है, ठीक है। तो इसके इसी अंदर आप लोगों को कुछ दिखेगा, जो हम कार्ड डालेंगे पीछे कैसे दिखाएंगे हम देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को अक्षर दिखेगा, यानी कि जिसके ऊपर आप प्रयोग करेंगे उस व्यक्ति को इसी को फ्रंट करा के बैठाएंगे और आप खुद बैक साइड में रहेंगे। तो यंत्र का बैक साइड में आपको दिखाती हूँ, ये होता है यंत्र का बैक साइड। इस बैक साइड में क्या है, ये एक चीज है, ये देखिए, ये एक है, इसको हम बोलते हैं ये शटर, इसको हम बोलते हैं शटर। और इसको, ये शटर को बंद करके रखता है कौन ना, ये इसको हम बोलते हैं लीवर, ठीक है। इसको अगर हम नीचे साइड में खींचते हैं तो ये शटर गिरेगा। तो इस शटर को हमको सबसे पहले पहले पार्ट जान लीजिए, उसके बाद में बताती हूँ। ये शटर, ये उसका लीवर, और इसमें एक नॉब है। इस नॉब को अगर हम इस तरह से पुल करेंगे तो यहाँ पर जो आगे जो मैंने आप लोगों को स्क्रीन दिखाया था अथवा एक खाली जगह दिखाया था, उसके पीछे एक ग्लास रखा हुआ है, और उस ग्लास के पीछे ये जो नॉब को हम खींचते हैं उसमें से एक लकड़ी का पट्टी रखा हुआ है, थोड़ा सा दिखा दीजिए, लकड़ी का पट्टी रखा हुआ है। ये क्या करता है, उसमें ऐसे वो कांच को वो प्रेस करके रखता है, क्योंकि हम इसी कांच के अंदर और ये जो लकड़ी का प्लेट है उसी के बीच में कोई एक कार्ड रखेंगे जिसमें हम कुछ शब्द लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगी निरर्थक और सार्थक शब्द की, कुछ ऐसे हम रखेंगे सूची जो कार्ड में हम लिख के रखेंगे। तो ये कार्ड ऐसा है, ये कार्ड को हम कैसे बनाए हैं ना, जो स्क्रीन का साइज है उसी स्क्रीन के अकॉर्डिंग हम उसको बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रयोग करने से पहले हम क्या करेंगे कि प्रयोज्य को हमारे सामने बैठाएंगे, यानी कि स्क्रीन के फ्रंट पार्ट में, और ये शटर को हमको सबसे पहले ऊपर उठा देना है, नहीं तो हम कागज रख के अगर उठाएंगे तो यहाँ पर जो लिखा है उस व्यक्ति को दिखेगा। तो इसलिए पहले शटर को हम उठा देते हैं। देखिए शटर उठाने से क्या होता है फ्रंट पार्ट में ना, ये शटर का ये आ जाता है, शटर आ जाता है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम उसको गिरा देते हैं तो वो गिरेगा और उसी समय में यहाँ पर कांच में कुछ दिखेगा, ठीक है। तो हम शटर को सबसे पहले शटर को ऊपर की तरफ हम उठा दिए, तो यहाँ पर ये फिक्स होके रह गया। इसके बाद हम इस नॉब को खींचेंगे, खींचने के बाद ये ग्लास और एक लकड़ी का प्लेट जो है उसके अंदर एक स्पेस बनेगा, उसी स्पेस में हम वो कागज को रखेंगे। कैसे रखेंगे ना, कागज का जो रिटिन साइड है वो रिटिन साइड को हम फ्रंट की तरफ रखते हुए यहाँ पर रखेंगे और नॉब को छोड़ देंगे, वो फिक्स होके रह गया, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि आप अपने छात्र को जो प्रयोग है जिसके ऊपर आप प्रयोग करेंगे उसको दिखाएंगे। तो उसको सबसे क्या बोलेंगे कि आप रेडी हो, तो वो अगर रेडी बोलता है तो आप स्टार्ट कह के, यहाँ पर जो हमने लीवर आप लोगों को दिखाया था, इस लीवर को आपको ऐसे पुश करना है, लीवर को आपको पुश करना है, तो क्या होगा, ये शटर गिरेगा। ये फ्रंट में कैसे दिखता है देखिए, तो मैं ये लीवर को अगर खींचती हूँ तो आप देखिए 1/10 सेकेंड के लिए इसी स्क्रीन के अंदर आपको कुछ वर्ड्स अथवा कुछ लिखावट आपको दिखेगा, देखिए, ठीक है। तो ये जो दिखा, वन मोर टाइम, और एक बार आपको दिखाती हूँ। मैं अभी लीवर को दबाया तो ये गिरा, तो इसका हम टाइम कैलकुलेट करते हैं 1/10 सेकेंड। तो इसी 1/10 सेकेंड में फ्रंट में जो बच्चा बैठा है या जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं वो इसी स्क्रीन के ऊपर जो उसको अक्षर दिखेगा वो उसको पढ़ेगा, कितना याद रखा, तो उसको आप उसी समय पूछ लीजिए आपने क्या देखा क्या पढ़ा, तो वो जो बोलता है आप उसको नोट डाउन करके रखिए। इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को 10 कार्ड दिखाना है सार्थक शब्दों का और 10 कार्ड दिखाना है निरर्थक शब्द का। तो सार्थक शब्द के कार्ड को आप एक के बाद एक
ठीक है, एक कार्ड दिखाएंगे, छात्रों को पूछेंगे क्या देखा, उसको नोट करेंगे, उसके बाद वो जो बोला फिर सेकेंड कार्ड को, फिर थर्ड कार्ड को, इसी तरह से क्रम के हिसाब से आप लोगों को सार्थक कार्ड को दिखाना है और वो जो बोलते हैं उसको लिख लेना है। ये करने के बाद फिर आप लोगों को निरर्थक कार्ड, आप लोगों को निरर्थक शब्द जो लिखे होंगे वो कार्ड को भी आपको वन बाई वन करके स्टूडेंट को दिखाना है और उसको नोट डाउन कर लेना है, और बाद में उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अभी यंत्र का देख लिया, आप पहले ये कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं स्क्रीन अथवा यवनिका। ये टोटल काष्ठ फलक है अथवा टेचिस्टोस्कोप यंत्र है, ये इसका स्क्रीन अथवा यवनिका है, ये उसका लीवर अथवा पिंज है, ये उसका शटर है, ठीक है, ये उसका नॉब है, ये कार्ड रखने की जगह है, ठीक है, स्पेस है, इतना आप लोगों को याद रखना है। तो यंत्र टेचिस्टोस्कोप, उसमें एक स्क्रीन रहता है, उसमें एक शटर रहता है, उसमें एक पिंज अथवा लीवर रहता है, उसमें एक नॉब अथवा स्क्रू रहता है, और एक ग्लास रहता है, और एक लकड़ी का प्लेट रहता है जो कि पेपर को ग्लास के साथ एकदम लगा के रखता है, जिसमें से पेपर हिलेगा नहीं, जिससे प्रयोज्य को देखने के लिए बहुत ही सुविधा रहेगी कि क्या यहाँ पर रखा है, और वो उसका नजर भी इधर उधर नहीं होगा, फिक्स होकर रहेगा। ठीक है, इसके लिए और एक चीज भी यूज किया जाता है, चिन रेस्ट, क्योंकि बच्चा जब देखता है तो वो चीन को उसके ऊपर प्रेस करके रखता है, वो हमारे पास नहीं है, तो बच्चे को आप बोलिए कि वो टेबल के ऊपर हाथ रख के अपने चीन के ऊपर ऐसे हाथ रख के वो रहे, ताकि उसका मुंह भी इधर उधर नहीं होगा और वो सही ढंग से यहाँ पर जो दिखेगा वो उसको पढ़ पाएगा, ऐसा व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था हम लोगों को करनी है। तो ये ओवरऑल आप लोगों को यंत्र का परिचय मैंने दिया, और किस तरह से प्रयोग करेंगे उसको मैं और एक बार दिखा देती हूँ, देखिए। तो हाँ, यंत्र का प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है कि हम जो 10 कार्ड बनाएंगे वो 2 लेटर से लेकर 11 लेटर तक का शब्द हमारे पास होता है, ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास 10 कार्ड बन जाएंगे। तो पहले 2 शब्द को दिखाएंगे, 2 अक्षर वालों को, फिर 3 अक्षर को, फिर 4 अक्षर को, इसी तरह से क्रमान्वयन से वो बढ़ता चलेगा, पहले सार्थक शब्द उसके बाद निरर्थक शब्द। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को पहले 2 शब्द का दिखाती हूँ, आप देखिए, मैंने शटर को उठा दिया, नॉब को मैं खींच लिया और कार्ड को रखा, नॉब को छोड़ दिया, प्रेस कर दिया, अब बोला रेडी, तो वो हाँ बोला, तो मैं स्टार्ट करके शटर को गिराया, ठीक है, इतने ही समय में वो प्रयोजक को पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा है, और वो उसी समय में जितने अक्षर को पढ़ पाता है हम उसमें काम करेंगे, उसका अवधान विस्तार कितना है, उसका स्पान ऑफ अटेंशन अथवा वो किसी चीज के ऊपर ध्यान कितने समय तक केंद्रित कर पाता है उसी को हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो आगे फिर आप लोग प्रयोग करिएगा और उसको साक्षात देख लीजिएगा किस तरह से होता है, क्या होता है। धन्यवाद।